आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.10। एक्सरसाइज 9.10 में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे? एक तो हमारे पास इस तरह के मिलेंगे, डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स, या हमारे पास मिलेंगे डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, एंड या हमारे पास इस तरह के मिल सकते हैं डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी। तो इन इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का हमारे पास वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल हमारे पास क्या कहता है कि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट मिलेगा, उस कॉन्स्टेंट को हमने, कोई भी कॉन्स्टेंट के मिलेगा, एक्सप्रेस करेंगे इस कॉन्स्टेंट के को हम के इंटू कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू। उसके बाद हम जो है के कोस एक्स को जो है चेंज करेंगे के इंटू कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस के इंटू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू। उसके बाद हम चेंज करेंगे के साइन एक्स को के इंटू टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास टर्म मिलेगी टेंजेंट एक्स बाई टू, उसको टी पुट करेंगे, और सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स को हम टू डी टी पुट करेंगे। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टू प्लस थ्री कोस एक्स। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास है टू टू को हम लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टू टू को लिखेंगे टू इंटू कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, एंड प्लस थ्री कोस एक्स को हम लिखेंगे कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू। इसको कैलकुलेट करते हैं डी एक्स अपॉन टू थ्री यानी कि फाइव कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू एंड माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कोस स्क्वेयर एक्स से ऊपर और कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू से नीचे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन फाइव माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब हम पुट करेंगे टेंजेंट एक्स बाई टू को टी, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी। चेंज करेंगे तो ये सीकेंट स्क्वेयर, इसको हम पुट करेंगे टू डी टी अपॉन फाइव माइनस टी स्क्वेयर। तो हम इसको लिख सकते हैं टू एज इट इज डी टी अपॉन रूट फाइव का स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर का फार्मूला हमारे पास वन अपॉन टू, ये टू हमारे पास जो है एज इट इज़ है, तो वन अपॉन टू ए यह आ जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ ए प्लस टी अपॉन ए माइनस टी प्लस सी। तो ये आ जाएगा आंसर, टू से टू कैंसर, वन अपॉन रूट फाइव लॉग ऑफ मोड ऑफ रूट फाइव प्लस टेंजेंट एक्स बाई टू अपॉन रूट फाइव माइनस टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस सी जो है, ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, डी एक्स अपॉन टू प्लस कोस एक्स। इसको हम चेंज करेंगे डी एक्स अपॉन टू, टू को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, प्लस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू इंटीग्रेशन। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन टू यहाँ पे, और यहाँ पे थ्री थ्री को स्क्वेयर एक्स बाई टू, और टू यहाँ पे वन यहाँ पे, तो ये आ जाएगा प्लस वन साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू। अब को स्क्वेयर एक्स से ऊपर डिवाइड और नीचे डिवाइड, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन थ्री प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू, वहीं से इसको टी, और ये टू डी टी बन जाएगा। तो टू डी टी अपॉन थ्री प्लस टी स्क्वेयर, तो इसको हम लिख सकते हैं टू डी टी अपॉन रूट थ्री का स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन रूट थ्री प्लस सी। तो यहाँ पे पुट करेंगे टू अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, टेन इनवर्स टी की जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी टेंजेंट एक्स बाई टू, जो हमारे पास वैल्यू है टेंजेंट एक्स बाई टू, और अपॉन ये रूट थ्री हमारे पास है प्लस सी जो आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट थ्री की। पार्ट नंबर थ्री क्या कहता है हमारे पास है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन फोर प्लस फाइव
साइन एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स अपन फोर को हम लिख सकते हैं फोर साइन स्केयर एक्स बाय टू प्लस फोर कोस स्केयर एक्स बाय टू प्लस फाइव साइन एक्स को हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाय टू इंटू कोस एक्स बाय टू। तो ये हमारे पास टू साइन स्केयर प्लस टू कोस स्केयर प्लस फाइव इंटू टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो जब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन फोर को स्केयर हमारे पास एज इट इज फोर को स्केयर एक्स बाय टू प्लस टेन साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू प्लस फोर साइन स्केयर एक्स बाय टू। अब हम इसको डिवाइड करते हैं कोस स्केयर से तो ये आ जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू डी एक्स अपॉन फोर प्लस टेन टेंजेंट एक्स बाय टू प्लस फोर टेन स्केयर एक्स बाय टू। अब वहीं टेंजेंट को हम टी पुट करेंगे तो टू ये डी एक्स डी टी बन जाएगा टू डी टी अपॉन फोर प्लस टेन टी प्लस फोर टी स्क्वायर ये जो हमारे पास है बन जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम सबसे पहले यहाँ से फोर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा टू अपॉन फोर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टेन अपॉन फोर टी प्लस वन आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव बाई टू टी तो ये वन अपॉन टू हमारे पास जो है बन जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वेयर प्लस फाइव बाई टू टी प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन ऐड करेंगे ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू डी टी अपॉन टी प्लस फाइव बाई फोर का स्क्वेयर एंड माइनस नाइन अपॉन सिक्सटीन तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर यानी कि वन बाई टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस फाइव बाई फोर का स्क्वेयर माइनस थ्री अपॉन फोर स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का फार्मूला हमारे पास होता है वन अपॉइंट टू पहले से वन अपॉइंट टू इंटू ए लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसको टू से ये हमारे पास टू से टू कैंसिल तो ये आ जाएगा इस टू से टू कैंसिल तो वन अपॉइंट थ्री लॉग ऑफ मोड ऑफ टी की वैल्यू पुट करेंगे टेंजेंट एक्स बाय टू इसको सोल्व करेंगे प्लस वन बाय टू ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स बाय टू प्लस टू प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री लॉग ऑफ मोड ऑफ टू टेंजेंट एक्स बाय टू प्लस वन अपॉन टू टेंजेंट एक्स बाय टू प्लस फोर प्लस सी जो है लिख सकते हैं। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट इसके फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या कहता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन फाइव माइनस फोर साइन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन फाइव कोस स्केयर एक्स बाय टू प्लस फाइव साइन स्केयर एक्स बाय टू माइनस फोर इंटू टू साइन एक्स बाय टू इंटू कोस एक्स बाय टू इंटीग्रेशन डी एक्स जो है हम इसको लिख सकते हैं। फिर हम जो है इसको भी ऐसे ही कोस स्केयर एक्स ऊपर डिवाइड कोस स्केयर एक्स नीचे डिवाइड तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू डी एक्स अपॉन फाइव प्लस फाइव टेन स्क्वेयर एक्स बाय टू माइनस एट टेंजेंट एक्स बाय टू। फिर पुट करेंगे टेंजेंट एक्स बाय टू को टी तो ये हमारे पास आ जाएगा टू डी टी यानी कि टू डी टी अपॉन फाइव प्लस फाइव टी स्क्वेयर माइनस एट टी। यहाँ से हम जो है कॉमन लेते हैं फाइव को तो ये आ जाएगा टू अपॉन फाइव इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस एट अपॉन फाइव टी प्लस वन जो है बन जाएगा। अब इसको हम कंप्लीट स्क्वेयर बनाएंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस एट अपॉन फाइव टी प्लस सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस वन। ये आ जाएगा टू अपॉन फाइव इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी माइनस फोर अपॉन फाइव का स्क्वेयर प्लस नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव तो ये इसको हम लिख सकते हैं थ्री अपॉन फाइव का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है बन जाएगा इस फॉर्मूले से हम जो इसको सोल्व करेंगे टू अपॉन फाइव हमारे पास है वन अपॉन ये है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब यहाँ पे फाइव से फाइव कैंसिल टू अपॉन थ्री टेन इनवर्स टी की वैल्यू पुट करेंगे टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी टेंजेंट एक्स बाय टू टेंजेंट एक्स बाय टू माइनस फोर अपॉन फाइव अपॉन थ्री अपॉन फाइव प्लस सी। इसको सॉल्व करते हैं टू बाय थ्री टेन इनवर्स फाइव टेंजेंट एक्स बाय टू माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस सी जो हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या कहता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वन प्लस टू कोस एक्स।
इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन स्केयर एक्स बाय टू प्लस कोस स्केयर एक्स बाय टू प्लस टू कोस स्केयर एक्स बाय टू माइनस टू साइन स्केयर एक्स बाय टू। तो ये सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन यह आ जाएगा माइनस साइन स्केयर और थ्री कोस स्केयर, यानी कि थ्री कोस स्केयर एक्स बाय टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाय टू। इसको डिवाइड करेंगे ऊपर भी कोस स्केयर एक्स बाय टू से नीचे भी, तो ऊपर बन जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू डी एक्स अपॉन थ्री माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स बाय टू। टेंजेंट को टी पुट करेंगे तो वो टू डी टी आ जाएगा, टू डी टी अपॉन थ्री माइनस टी स्केयर। इसको लिख सकते हैं टू डी टी अपॉन रूट थ्री स्केयर माइनस टी स्केयर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टू एज इट इज वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। टू से टू कैंसिल, वन अपॉन रूट थ्री लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट थ्री प्लस टेंजेंट एक्स बाय टू अपॉन रूट थ्री माइनस टेंजेंट एक्स बाय टू प्लस सी। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास देखा क्या, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसमें हम पुट करेंगे वन को तो हम पुट करेंगे साइन स्केयर एक्स बाय टू प्लस कोस स्केयर एक्स बाय टू। साइन को हम पुट करेंगे टू साइन एक्स बाय टू एंड कोस एक्स बाय टू। कोस को हम पुट करेंगे कोस स्केयर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू। साइन से साइन कैंसिल, ये टू को स्केयर हो जाएगा डी एक्स अपॉन टू को स्केयर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स बाय टू एंड कोस एक्स बाय टू डी एक्स। अब हम डिवाइड करेंगे इसको कोस स्केयर एक्स बाय टू, तो ऊपर आ जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू डी एक्स अपॉन टू माइनस टू टेंजेंट एक्स बाय टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब टेंजेंट को टी तो ये टू डी टी, तो टू डी टी अपॉन टू माइनस टू टी, तो टू से टू कैंसिल डी टी अपॉन वन माइनस टी। तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ वन माइनस टी प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ वन माइनस टेंजेंट एक्स बाय टू प्लस सी। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे पास, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन सेवन प्लस फाइव कोस एक्स प्लस टू साइन एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन सेवन की जगह पे सेवन कोस स्केयर एक्स बाय टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाय टू प्लस फाइव कोस की जगह पे कोस स्केयर एक्स बाय टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाय टू प्लस टू इंटू टू साइन एक्स बाय टू और कोस एक्स बाय टू। टू इंटू फोर बन जाएगा तो सेवन और फाइव ट्वेल्व। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ट्वेल्व कोस स्केयर एक्स बाय टू प्लस यह आ जाएगा टू साइन स्केयर एक्स बाय टू प्लस फोर साइन एक्स बाय टू एंड कोस एक्स बाय टू। अब इसको डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू डी एक्स अपॉन ट्वेल्व प्लस टू टेंजेंट स्केयर एक्स बाय टू प्लस फोर टेंजेंट एक्स बाय टू। अब हम टेंजेंट एक्स बाय को डी टी, तो ये टू डी टी बन जाएगा, टू डी टी अपॉन ट्वेल्व प्लस टू टी स्केयर प्लस फोर टी। अब यहाँ से हम टू कॉमन लेते हैं, टू कॉमन लेंगे तो डी टी अपॉन टी स्क्वेयर प्लस टू टी प्लस सिक्स इंटीग्रेशन। इसको कंप्लीट स्क्वेयर बनाएंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर प्लस टू टी प्लस वन प्लस फाइव, सिक्स को ले सकते हैं वन प्लस फाइव डी टी अपॉन टी प्लस वन का स्क्वेयर प्लस रूट फाइव का स्क्वेयर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट फाइव टेन इनवर्स टी की वैल्यू है टेंजेंट एक्स बाय टू प्लस वन अपॉन रूट फाइव प्लस सी, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर थ्री की। पार्ट नंबर थ्री की स्टेटमेंट हमारे पास दे रखी है, पार्ट नंबर थ्री है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टू प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन टू की जगह पे टू साइन स्केयर एक्स बाय टू प्लस टू कोस स्केयर एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं कोस स्केयर एक्स बाय टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाय टू माइनस साइन को लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाय टू और कोस एक्स बाय टू। टू साइन से साइन वन
रेस अंडे टू कोस प्लस ये थ्री कोस स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन थ्री प्लस टेन स्केयर एक्स बाई टू माइनस टू टेंजेंट एक्स बाई टू। टेंजेंट को टी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टू डी टी अपॉन थ्री प्लस टी स्केयर माइनस टू टी। टू कॉमन लेंगे तो ये नहीं कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, टू बार आ जाएगा टी स्केयर माइनस टू टी प्लस थ्री। थ्री को हम लिख सकते हैं वन प्लस टू, इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस टू, तो टू इंटू डी टी अपॉन टी माइनस वन का स्केयर प्लस रूट टू का स्केयर। तो वही एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का फॉर्मूला हमारे पास वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये हमारे पास कट के रूट टू टेन इनवर्स टी की वैल्यू टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस सी। दिस इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मैथमेटिक्स।